हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु नानक की बारे में जानेंगे, यानी गुरु नानक के सबसे पहले हम जीवनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उसमें दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो गुरु नानक के बारे में जानते हैं हम लोग। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। जिस गाँव में हुआ था उस गाँव का नाम तलवंडी था, जो लाहौर ज़िला में पड़ता था, जो अभी ननकाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो वो कहाँ स्थित है? वो अभी पाकिस्तान में स्थित है, यानी ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। उसके बाद उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था और माता का नाम तृप्ता था। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के पिता उन्हें चाहते थे कि व्यापार में लगाने के लिए, लेकिन उनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया और वो क्या किए कि ईश्वर की भक्ति करने लगे और वो व्यापार को छोड़ दिए। गुरु नानक जी के दिखावे की भक्ति में कोई भी विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक साहब निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक जी ने हिंदू और मुस्लिम की दोनों, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना की और इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों, यानी हिंदुओं की और मुस्लिमों की जितनी भी ग्रंथें थी उनके बारे में पढ़े थे। गुरु नानक साहब ने मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किए थे, बाबर से इनकी भेंट हुई थी। ठीक। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इतना तो पता हो गया कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति के कवि थे, इनकी भेंट बाबर से भी हुई थी। आगे देखते हैं कि गुरु नानक को सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, यानी गुरु नानक सिख धर्म का पहला प्रवर्तक थे। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं। हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल मिलता है इनकी रचनाओं में। ठीक है। इसके बाद हम इतना तो जानते ही हैं कि गुरु नानक जी एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। इसके बाद देखते हैं कि गुरु नानक साहब की जो रचनाएं थी उनको किसने लिखा था। तो गुरु नानक के जो इनकी रचनाएं का संग्रह पांचों सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था, जो गुरु नानक यानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अब गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु नानक जी क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए? तो वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक जी ने अपना प्राण त्याग दिए। अब ऑब्जेक्टिव आता है कि गुरु नानक जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जापू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये रचनाएं हैं। तो आप लोगों को चारों की चारों रचनाएं याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो अब सबसे पहले हम लोग गुरु नानक की जो पहली रचनाएं हैं, यानी फर्स्ट पार्ट है, उसको हम देखते हैं और उनकी हम व्याख्या करते हैं। पहला है राम नाम बिनु बिरथे। तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस संसार में यानी इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। कभी कहते हैं बीखू खावे बीखू बोले बीनू नावे निःफल मति भ्रमणा, यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वो बीख खाता है, बीख बोलता है और उसका मति इधर उधर भ्रमण करते रहता है। कौन? जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद कभी कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखानय संध्या क्रम निकाल करे, यानी लाख पुस्तक पढ़िए व्याकरण का बखान कीजिए, लेकिन संध्या में एक ऐसा समय निकालिए जब ईश्वर की उपास भक्ति कर लें, यानी ईश्वर का नाम ले लें। उसके बाद कभी कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझय मरे, यानी बिना गुरु शब्द की किसी भी प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। प्राणी क्यों? क्योंकि राम का नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक इस संसार क्या है
नाम बिनु अरुझय मर, यानी इस संसार में अरुझा कर मर जाते हैं लोग। इसके बाद कवि कहते हैं, दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गमनु, अति भ्रमण अति भ्रमण। इसके बाद कभी तो कभी कहते हैं, दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे। कभी कहते हैं, दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे, यानी डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, सीख बढ़ा लेने से, यानी चोटी, धोती सूत धोती यानी धोती पहन लेने से और अनेक स्थानों का भ्रमण करने से कोई ईश्वर में लीन नहीं हो जाता है। वो एक पर कवि के अनुसार वो एक प्रकार के दिखावे का भक्ति करता है। उसके बाद कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपरि पारे, यानी राम नाम के बिना किसी भी व्यक्ति को शांति नहीं आती है। शांति कब आती है? जब वो ईश्वर का नाम लेता है, तब उसकी संसार से उसकी मुक्ति मिल जाती है और उसका जीवन पार लग जाता है। उसके बाद कवि कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, यानी आप लोग देखते होंगे कुछ जो क्या बोलते हैं, साधु लोग होते हैं जो कि जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं और शरीर पर भस्म लगा लेते हैं और वसन छोड़ी यानी बिना वस्त्र के हो जाते हैं, यानी वस्त्रहीन हो जाते हैं। तन नगन भया, उस प्रकार की जो साधु लोग करते हैं वो एक प्रकार की दिखावा करते हैं, उसमें गुरु नानक साहब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं कि आप ईश्वर में लीन हैं। उसके बाद कभी कहते हैं कि जेते जियत जत तल जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया, यानी जहाँ भी जिए जीते हों, जित संसार में जितने जीव जंतु जीते हैं वो ईश्वर की कृपा से जीते हैं, उन सब को ईश्वर की अनुकंपा से, यानी ईश्वर का जब तक उन पे आशीर्वाद रहेगा वो हमेशा अच्छा से जिएंगे, कहीं भी जिए। उसके बाद कभी कहते हैं, गुरु परिसादी राखी ले कोई, यानी गुरु की इस प्रसाद को यानी आशीर्वाद को जो कोई रख लेगा, हरि रस नानक झोली पिया, वो हमारे जैसा यानी हरि का जैसे हम रस को अपने अंदर ग्रहण कर लिए हैं, यानी जिस प्रकार हम पे ईश्वर का कृपा पड़ गया है ठीक उसी प्रकार उन लोगों पर पड़ जाएगा जिन लोग ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। इतना ही कवि कहते हैं। अगला इनका पार्ट 2 है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतना के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।